हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक आरसी ड्रोन की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का ड्रोन है, इसी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके डब्बे पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 6 चैनल रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर है, लेकिन ये 6 चैनल नहीं है, ये 4 चैनल क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। तो बाकी आप इसके डब्बे को देख सकते हैं दोस्तों। इसका जो मॉडल नंबर है वो भी आप डब्बे पे देख सकते हैं, ये है H008। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो भी आपको डब्बे पे दिखाई दे जाएगा, जो कि 1240 रुपये है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट से मैंने 2300 रुपये में ख़रीदा है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक को फॉलो करके इसे बाय कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें डब्बे के अंदर क्या क्या मिलेगा, और उसके बाद हम इसकी फ्लाई टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये है हमारा व्हाइट कलर का ड्रोन। तो चलिए इसे इस डब्बे से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो डब्बे के बाहर आ गया है। चलिए अपने दूसरे डब्बे को भी खोल के देख लेते हैं कि हमें दूसरे डब्बे के अंदर क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक चार्जर मिला है जो कि हमारे ड्रोन की बैटरी को चार्ज करता है, और यहाँ पर हमें 2 प्रॉपलर्स मिली हैं जो कि ड्रोन की एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स हैं, और ये हमारे ड्रोन का स्टैंड है। और बाकी आप रिमोट को तो देख ही सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा रिमोट है जिसमें 2 जॉयस्टिक हैं और काफ़ी सारे कैमरा कंट्रोल बटन हैं, लेकिन हमारे ड्रोन में कैमरा नहीं है दोस्तों, ये विदाउट कैमरा ड्रोन है, इसमें हम अलग से कैमरा लगा सकते हैं। तो बाकी इसमें 2 बटन ऊपर की साइड में भी दिए हुए हैं, वो एक स्पीड बटन और एक फ्लिप बटन है, और यहाँ बैक साइड में हम बैटरी डाल सकते हैं। तो चलिए ड्रोन को पीछे से खोल के देखते हैं। देखिए इसे हम यहाँ नीचे से खोलते हैं तो यहाँ पर हमें एक बैटरी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें ड्रोन की बैटरी ड्रोन के अंदर ही मिलती है, जो कि 400 mAh 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो ये बैटरी हमें कम से कम 10 मिनट का फ्लाई टाइम दे देती है। तो चलिए कुछ इस तरह से आपको इसे चार्ज करना है। देखिए कुछ इस तरह से आप इसे चार्जर में लगा देंगे और अपने किसी भी USB चार्जर में लगा देंगे तो ये जो रेड लाइट है ये ऑटोमेटिकली इसमें से ऑफ हो जाएगी और ये फुल चार्ज हो जाएगी। ये फुल चार्ज 20 से 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, उसके बाद आप 10 से 12 मिनट फ्लाई कर सकते हैं। चलिए इस बैटरी को हम ड्रोन के अंदर ही लगा देते हैं। तो चलिए अपने ड्रोन के लेग भी हम इसमें लगा देते हैं। देखिए ड्रोन स्टैंड को कुछ इस तरह से आपको इसमें लगा देना है, आप पेंच भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इन्हें विदाउट पेंच के ही लगा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो ड्रोन के स्टैंड हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें लग गए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहीं पर हमें देखिए कैमरा सॉकेट मिलता है, इसमें हम अपना कैमरा लगा सकते हैं, और एक ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है। तो चलिए अपने रिमोट में हम बैटरीज डाल लेते हैं। दोस्तों रिमोट के लिए बैटरी हमें बॉक्स के अंदर नहीं मिलती है, ये हमें अलग से खरीद के इसमें लगानी पड़ती है,
और यहाँ पर आप चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए इसमें हमारी इंडिकेट लाइट जल गई है। चलिए सबसे पहले हम ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। देखिए ड्रोन में चार लाइट बहुत ही अच्छे कलर में जलती हैं। चलिए अब अपने रिमोट को ऑन कर लेते हैं। तो आपको ऑन करने के बाद फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करना है एक बार, और आपका जो रिमोट है वो ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा। आप दूसरी बार इसे ऊपर करेंगे तो आपका ड्रोन ऊपर की साइड में फ्लाई करने लगेगा। और फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को अगर आप लेफ्ट राइट करते हैं तो आपका ड्रोन घूमना शुरू हो जाएगा, एक ही जगह पर घूमना शुरू कर देगा। देखिए कुछ इस तरह से। और जो आपको सेकंड जॉयस्टिक मिलती है वो लेफ्ट राइट फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए मिलती है। तो चलिए इसे ग्राउंड में फ्लाई करके देखते हैं।